जम्मू कश्मीर में चुनावी राजनीति को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि अब राज्य के बाहर के लोग भी वोट डाल पाएंगे। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर रहने वाले बाहरी लोगों को नौकरी, शिक्षा या व्यापार करने के लिए मतदाताओं के रूप में पंजीकरण की अनुमति देने का चुनाव अधिकारियों का कदम यहां लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तरह है। मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को स्थगित करने संबंधी भारत सरकार का निर्णय पहले भाजपा के पक्ष में पलड़ा झुकाने और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देने से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है। असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने के लिए जम्मू कश्मीर पर शासन जारी रखना है। और जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन की ओर से नरास्तान त्राल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर के दौरान लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। और इस मौके पर सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट मकसूद आलम और यूनिट के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। लोगों ने चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए सीआरपीएफ का धन्यवाद किया। सीआरपीएफ कमांडेंट के मुताबिक भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज 180 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा तराल के एक सुदूर क्षेत्र, जो कि बहुत दूरदराज क्षेत्र में है, नर्गिस्तान, यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया। क्योंकि इस इलाके से हमेशा लोगों का रिक्वेस्ट रहता था कि इस इलाके में भी इस तरह का एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाए, जिससे कि लोगों को बेनिफिट्स हो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आज फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया, जिसमें सीआरपीएफ के डॉक्टर और एसडीएच तराल से एक डॉक्टर ने पार्टिसिपेट किए। और उसके बाद आम लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया और उनको जिस तरह का मर्ज था, जिस तरह की बीमारी थी, उसको ध्यान में रखते हुए उनको मुफ्त में दवाइयाँ दी गई। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एसीआर वरुण जीत सिंह चरक ने नगर परिषद नव निर्वाचित उपाध्यक्ष अहमद बट को शपथ दिलाई। दरअसल किश्तवाड़ में नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हुआ था, ऐसे में नए सिरे से चुनाव हुए और शब्बीर अहमद बट को वर्तमान परिषद के शेष कार्यकाल के लिए नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। कार्यक्रम में DIO अमित कुमार, जिला प्रशासन और MC के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। और वहीं कठुआ में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने औचक निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया और GMC कठुआ में चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। सलाहकार राजीव राय के साथ DC कठुआ राहुल पांडे, SSP RC कोतवाल, प्रिंसिपल GMC डॉक्टर अंजलि नादिर भट्ट भी मौजूद थे। अभी तो ये पुरानी बिल्डिंग पे काम कर रहा है, नई बिल्डिंग जैसा आपने देखा अभी उसकी बन रही है। और अभी भी यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी मैंने अभी मालूम किया था 50% है, तो बेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अभी जैसे इनका ICU जो है अभी काम कर रहा है, फंक्शनल है, लेकिन जब नई बिल्डिंग बन जाएगी तो उसका एक और स्वरूप रहेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन में इनका CT काम कर रहा है, बाकी चीज़ें फंक्शनल है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब चीज़ फंक्शनल है। तो एक तो ये देखना है कि बिल्डिंग जितनी जल्दी जो है इनको हैंडओवर हो सके, हॉस्पिटल बिल्डिंग, सो दैट वी कैन एक्सपैंड दी सर्विसेज।